जय माता दी। बसांतिक नवरात्रों की आपको मंगल शुभकामनाएं। वर्ष प्रारंभ हो रहा है 2076, तो वर्ष के प्रारंभ में हम जब भी वर्ष प्रारंभ करते हैं तो शक्ति की आराधना करते हैं। शक्ति की आराधना से पहले हमें समझना पड़ेगा कि शक्ति उत्पन्न कैसे हुई थी और सबसे पहले किस माता की पूजा हुई थी। तो जब ब्रह्मा जी को का वध करने के लिए मधु और कैटम्ब दो राक्षस आए, तो उन्होंने सबसे पहले भगवान विष्णु को जगाने का प्रयत्न करा, यानी कि निंद्रा देवी की आराधना करी। निंद्रा देवी की आराधना, आलस्य की आराधना, यानी कि हे माँ, भगवान विष्णु की आँखों से उठ जाओ ताकि मेरी रक्षा हो सके और मधु कैटम्ब का संहार हो सके। तो सबसे पहले आलस्य को त्यागने के लिए, मौसम अच्छा होता है, बसंत का महीना चल रहा है, तो आगे अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए वर्ष खत्म हो रहा होता है। ये तो हमने नया वर्ष जनवरी से वैसे ही प्रारंभ कर रखा है, वरना तो पहले अंग्रेजी मास भी मार्च से ही शुरू होता था और हमारा बजट भी मार्च में ही फरवरी में आता था और मार्च से शुरू होता था। सभी लोग अपनी बही खाता भी इसी मास से, चैत्र मास से ही प्रारंभ करते थे। तो माता का प्राकट्य, जब मधु कैटम्ब का संहार हो गया तो फिर दोबारा से ये संहार राक्षसों का उत्पन्न हुआ, महिषासुर आए, अन्य राक्षसों का उत्पन्न हुआ, तो माता की आराधना करने लगे। तो देवताओं ने सोचा ऐसी कौन सी शक्ति है जो हमारे को कर सकती है, तो देवताओं ने आराधना शुरू करी और एक शक्ति प्रकट करने का निश्चय करा भगवान विष्णु के आह्वान पर। तो किसी ने हाथ दिए, किसी ने सिर दिया, किसी ने हाथ नैन दिए, किसी ने पैर दिया, किसी ने कुछ शक्ति दी, किसी ने त्रिशूल दिया, किसी ने भाला दिया, किसी ने धनुष दिया, विष्णु ने चक्र दिया, भगवान शिव ने त्रिशूल दिया। इस तरह एक शक्ति उत्पन्न हुई। शक्ति क्योंकि स्त्रीलिंग थी इसलिए उसको माता का नाम दिया गया और तभी से नवरात्रों के पहले माह में हम नवरात्रों की पूजा करते हैं। नवरात्रों के दिन सवेरे नहा धोकर प्रसन्न चित्त से, एक बात मैंने पहले भी कही थी कि कभी भी तनाव लेकर के पूजन नहीं करना चाहिए, नवरात्रों के पहले दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर माता की पोशाक बदलें, माता को स्नान कराएं। ध्यान रहे, हम अगर माता की मूर्ति है हमारे घर पर स्थापित है तो 9 इंच से बड़ी मूर्ति नहीं होनी चाहिए और माता को स्नान कराएं, हो सके तो पहले दिन पूरे गंगा जल से स्नान कराएं, नहीं तो स्वच्छ जल ले और उसके बाद गंगा जल का छिड़काव करें। और वो अच्छा रहेगा कि पहले दूध से स्नान कराएं, फिर जल से स्नान कराएं और तत्पश्चात गंगा जल से स्नान कराएं। माता को स्नान कराएं, नए पोशाक पहनाएं। ध्यान रहे, आजकल बहुत रंग बिरंगी पोशाकें आ रही हैं लेकिन माता को लाल रंग की पोशाक बहुत प्रसन्न है। माता का पूरा श्रृंगार करें, माला पहनाएं, पुष्पहार भी पहनाएं, लेकिन अगर सोने का हार पहना सकें तो अच्छा रहेगा, लेकिन अगर नहीं है सामर्थ्य तो गेंदा की माला या गुलाब के फूलों की माला माता को प्रसन्न रहती है। उसके पश्चात घट स्थापना करें। घट स्थापना करने से पहले कलश की स्थापना करें। एक सुंदर मिट्टी का कलश लें, उसके चारों तरफ रोली से उसको घेरा बना लें। नीचे अनाज कोई सा साधारणतः गेहूं रखें, क्योंकि गेहूं की फसल कट रही होती है तो इसलिए गेहूं को नीचे रखें। गेहूं को रखकर ऊपर कलश की स्थापना करें, थोड़ा सा उस कलश को कलावा बांध दें। नारियल को लें और उसके ऊपर लाल कपड़ा लपेटें और कलावा बांध दें और माता का ध्यान करते रहें। कुछ भी पूजा, पूरी पूजा के समय में माता का स्मरण करते रहें। कलश की स्थापना के पश्चात एक पीतल का दीवा लें या मिट्टी का दीवा लें। ध्यान रखें माता की पूजा के अंदर स्टील का कोई भी बर्तन ना हो। अगर नहीं है कुछ मिल रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साधारणतः ध्यान रखें कि या तो मिट्टी का बर्तन हो, मिट्टी का दीवा हो, मिट्टी का कलश हो, नहीं तो तांबे का या कांसे का, इस प्रकार का कोई कलश या दीवा हो सकता है। कलश स्थापना के पश्चात गणेश जी का पूजन करें, मातृका का पूजन करें, द्वारपालों का पूजन करें, क्षेत्रपालों का पूजन करें, 64 योगिनियों का पूजन करें। इन सब का पूजन करने के बाद एक बात जरूर ध्यान रखनी है, नवग्रह का पूजन करें
और जो अपने कुल देवता या कुल देवी है, आप किसी को भी ध्यान करें, किसी का भी पूजन करें, लेकिन एक जो बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि अपना कुल देवता या कुल देवी, जब तक हम अपने कुल देवता या कुल देवी को प्रसन्न नहीं करेंगे तो आप समझिए कि सारी पूजा व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए सब पूजा करने के पश्चात कुल देवी या कुल देवता का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार से पूजन करके अगर आपके यहाँ अष्टमी पुष्टि है तो ठीक, अगर नौवीं पुष्टि है तो मेरा ये अनुरोध है कि नित्य चाहे छोटा सा हवन करें। हवन के लिए आप गोबर के उपला भी ले सकती हैं और आम की लकड़ी भी ले सकती हैं। ज़्यादा थोड़ा सा कोई विधि विधान की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ कुछ चार पांच संविधा ली, थोड़ा सा घी लिया, उसके ऊपर कपूर लिया और जय माता दी करते रहे। और ये मैं एक मंत्र बता रहा हूँ, उस मंत्र का जाप करते हुए ओम क्री कालिकाय नमः कि 11 आहुतियाँ हवन में डालनी है। उसके पश्चात बैठ करके आराम से सिर पर कुछ ना कुछ लाल कपड़ा रखना है। आजकल चलन ये देखने हैं कि एक कलावा रख लिया सिर पर या नंगे सिर ही पाठ करने बैठ गए। दीपक जला हुआ है, धूप जली हुई है, सिर पर लाल कपड़ा रखें और अपने साफ मन से माता की दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। संस्कृत में करें तो अच्छा है, आजकल बाजार में हिंदी अनुवाद भी बहुत मिलते हैं। पूरा पाठ करना चाहिए, पाठ करने से पहले अर्गला स्त्रोत, कीलक, मंगला स्त्रोत, इनका पाठ करना जरूरी है। और ये सारे पाठ करने के पास आरती करें और माता से क्षमा मांगें, हे माँ हमारे से कुछ इस पूजन में गलती हो गई हो, चूक हो गई हो, कुछ ज़्यादा कर दिया हो तो आप क्षमा करें, आप ही की श्रद्धा आपकी आज्ञा से मैं ये पूजन कर पा रही हूँ, कर पा रहा हूँ। एक बात और ध्यान देने की है, अगर मान लो हम पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ या दुर्गा स्त्रोत का पाठ एक दिन में नहीं पढ़ पा रहे हैं तो पहले दिन पहला अध्याय, दूसरे दिन दूसरा और तीसरा अध्याय, चौथे दिन पांचवा, छठा, सातवां, आठवां अध्याय, पांचवें दिन नौवां, दसवां अध्याय, छठे दिन ग्यारहवां अध्याय, सातवें दिन बारह, नौवां, तेरहवां अध्याय पढ़ें। कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरा एक ही दिन में समाप्त करें, लेकिन इतना ध्यान रखें कि कीलक स्त्रोत, अर्गला स्त्रोत और मंगला स्त्रोत इसका पाठ नित्य रोज करना है। और पहले दिन शैलपुत्री का ध्यान रखना है, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी का ध्यान रखना है, तीसरे दिन चंद्रघंटा माता का ध्यान रखना है, चौथे दिन कुष्मांडा माता का ध्यान रखना है, पांचवें दिन स्कंद माता का ध्यान रखना है, छठे दिन कात्यायनी माता का ध्यान रखना है, सातवें दिन कालरात्रि माता का ध्यान रखना है, आठवें दिन महागौरी माता का ध्यान रखना है और नवें दिन सिद्धात्री माता का ध्यान रखना है। इन दिनों जब भी हम शुरू करें तो जिस दिन जो माता का दिन है उसी माता का नाम लेकर उसका ध्यान रखकर हम पूजा करेंगे, निश्चित तौर पर आपकी सभी मनोकामना पूरी होंगी। कुछ लोग कहते हैं कि जी माता क्या मनोकामना पूरी कर सकती है, मैं आपको बता रहा हूँ माता हर प्रकार की मनोकामनाएं हमारी पूरी कर सकती हैं। और मान लो कोई विशेष प्रकार की आपकी मनोकामना है तो चौथा अध्याय जो है उस अध्याय में इतनी शक्ति होती है कि वो किसी भी प्रकार की मनोकामना, चौथा अध्याय का पाठ करें, किसी भी प्रकार की मनोकामनाएं आपकी पूरी हो सकती हैं। अगर कोर्ट में, कचहरी में कोई केस चल रहा है उस पर अगर आपको बार बार डिफीट करने को मिलती है तो मेरा अनुरोध है कि पांचवा अध्याय पढ़ें, उसमें नौवां पांचवें दिन वाला नौवां और दसवां अध्याय पढ़ें, वो पढ़ने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। और अगर उसके बाद भी घर में तनाव रहता है, घर में खुशियां नहीं आ रही हैं तो सातवें दिन वाला अध्याय, बारहवां और तेरहवां अध्याय पढ़ना चाहिए। और बच्चों की तरक्की उन्नति के लिए आपको चौथे दिन पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां अध्याय पढ़ना चाहिए। इस प्रकार जैसा मैंने आपको बताया, इस प्रकार के अध्याय पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। एक और बात, कुछ विशेष प्रयोग नवरात्रों वाले दिन हम लोग करते हैं। अगर हम उस दिन जब हम नवरात्रे व्रत कर रखा है तो हम अगर जब फर्श पर सोएं, बिस्तर बिछाकर पूरा ब्रह्मचर्य का पालन करें,
तो निश्चित माता आपकी प्रार्थना स्वीकार करती है। लेकिन दूसरी बात यह है, कई लोग कहते हैं इतने सारे वो करने के बाद, साधारणतः जितनी भी पूजा की विधि बताई गई हैं वो सख्त पूजा की विधि सन्यासियों के लिए वही हैं। गृहस्थ जितना कर सकते हैं उतना करना चाहिए। कुछ और बहम हमारे मनों में होते हैं, जोत जलते जलते बुझ गई जरूर कुछ अब होगा, कुछ नहीं, जोत जल गई बुझ गई है, साधारणतः बुझने नहीं देना चाहिए, अखंड जोत है। और उसका उसके ऊपर कुछ कालापन आ जाता है, कुछ बत्ती बड़ी हो जाती है, कई बार बत्ती बदलनी पड़ती है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, एक दूसरी जोत बनाई छोटी वाली, उसको जलाया, उस जोत को ठीक करा, दोबारा से प्रज्वलित कर दिया, ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। माता गृहस्थों को हर वक्त माफ़ करती रहती है। जितनी भी शक्तियाँ होती हैं वो सन्यासियों के लिए होती हैं या उनके लिए होती हैं जो सिद्धियाँ प्राप्त करना चाहते हैं। हम चाहते ही क्या हैं माता से, हम तो थोड़ी छोटी सी समस्याएं हैं और हम तो माता का ही काम तो कर रहे हैं, माता की सृष्टि है, उसी का लालन पालन कर रहे हैं। इसलिए एक बार पुनः माता का ध्यान रखें और माता के जिस दिन जो नवरात्र है, जिस दिन मैंने माता के नाम के दिन बताए हैं, उन माता का ध्यान करते हुए नवरात्रों में अपना पूजन करें, माता का ध्यान करें। और मैं आपको एक और बात कहता हूँ, नवरात्रों के पहले दिन कुछ ना कुछ संकल्प करें। देखो व्रत तो एक सांकेतिक विधि है कि मैं भोजन नहीं करूँगा, लेकिन अगर आज मैं आपको एक प्रयोग बताता हूँ, आप पहले दिन निश्चित कर लीजिए मैं ये 9 दिन झूठ नहीं बोलूँगा, मैं 9 दिन अनाचार नहीं करूँगा, मैं ये जो मेरी एक बुरी आदत है उसको कम से कम 9 दिन तो छोड़ूंगा, या मैं ये वर्ष भर ये काम नहीं करूँगा, ऐसा एक संकल्प करें। और अगर आपका कोई बहुत बुरा काम रुका हुआ है तो आप उसके अंदर देखिए, मैं आपको बताता हूँ, कोई एक फल, कोई एक खाने की चीज़, अपनी प्रिय खाने की चीज़ आप छोड़ दीजिए नवरात्रों में, आह्वान करके कि हे माँ मैं ये फला चीज़ खाने का त्याग कर रहा हूँ, जब मेरी मनोकामना पूरी होगी तब मैं इसको ग्रहण करूँगा। तो आप निश्चित मानिए माता आपकी मनोकामना पूरी करेगी। बोल कालका माई की जय।